मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूंगा अभी वर्तमान सरकार से कि हम ध्यान दिया जाए और गढ़गंगा को राजनीति का शिकार ना बनाया जाए। प्रदेश चुनाव आ गया है जिसमें गंगा राम मंदिर इनकी अहम भूमिका होती है। आज मैं इस समय मौजूद हूँ गंगा मैया में, यहाँ पर मेरे साथ तमाम बाबा मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूँगा कि पहले 2017 से पहले गंगा किस हाल में थी और अब किस हाल में है। ब्रज घाट ये गढ़ में पड़ता है, ब्रज घाट जहाँ पर जिसे छोटा हरिद्वार बनाने का योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था, वह पहले जो था और अब के ब्रज घाट में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? हाँ, ब्रज घाट हरिद्वार बन गया है, नागपाल ने ठेका लिया था इसका जी। इजरोले वाले नागपाल ने ठेका जो छोटा था गंगा के हरिद्वार के बनाने का, अब ये हरिद्वार जो बनने का लिए तैयार है। ब्रज घाट अब हरिद्वार बन चुका है। हाँ। अच्छा, 2017 से पहले यहाँ की स्थिति कैसी होती थी? ये तो गंदा रहता था, जहाँ तो बहुत भारी, कोई अच्छा सुविधा नहीं थी, ना इधर जो है ये घंटाघर था, ना अच्छी चीज़ थी, ना पैड़ियाँ थी। अब बहुत अच्छा हो गया हरिद्वार जैसा हो गया। आप कितने समय से यहाँ काम करते हैं? अब तो बात है जिंदगी बीत के यहीं रहते रहते यहीं रहने वाले यहाँ के, तो यहीं के रहने वाले हैं। पहले से काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहा है। बहुत बदल गया, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, योगी जी ने जो बताया था कि छोटा हरिद्वार बना देंगे गढ़ को, गढ़ गंगा को, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि सही अपने मुद्दे अपनी बात पर खड़े उतरे थे योगी आदित्यनाथ? हरिद्वार जो है, पहला जो हरिद्वार था वो उत्तराचल को दे दिया है, उत्तराचल में चला गया है। ये हरिद्वार यूपी का नया हरिद्वार ये बनाया गया है। सुनी, ये योगी जी ने भी ये कहा है हरिद्वार बनाए के रहेंगे, हरिद्वार जरूर बनेगा। ब्रज घाट का नाम हरिद्वार, छोटा हरिद्वार, यूपी का हरिद्वार। आप किसी को कितना समय होगा दादा यहाँ काम करते हुए? मुझे, आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? मुझे लगभग अभी 3 महीने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर अच्छा 3 महीने हुए। 3 महीने में कितना बदलाव देख रहे हैं आप गंगा मैया में? गंगा में बदलाव तो साहब जो हमने देखा है, जितना बदलाव होने चाहिए वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। अच्छा, हाँ, वो बदलाव नहीं हुआ अभी ना। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गढ़ गंगा को हरिद्वार, छोटा हरिद्वार बना देंगे, उत्तर प्रदेश का हरिद्वार, तो उस पर कितना खड़े उतरे योगी जी? उनका कहना तो सही है, मगर उनकी देखभाल अभी यहाँ है नहीं। अच्छा, अभी देखभाल नहीं है? अभी नहीं है। अच्छा, कोरोना के समय में आप यहाँ थे, यहाँ की क्या स्थिति थी? नहीं, उस टाइम में नहीं था। अच्छा, उस टाइम आप नहीं थे ना। आपको कितना समय होगा? हमको यहाँ पर 4 महीने में लगातार रहा, 3 महीने बाद फिर आया यहाँ पर। पहले 4 महीने कोरोना के टाइम थे, मैं यहीं था। अच्छा, वैसे आप हैं कहाँ के रहने वाला? मैं पंजाब का हूँ। अच्छा, आप क्या बदलाव देखते हैं यहाँ पर? मैं तो यही कहता हूँ, पहले तो जब पहले आया करता था, पहले तो कच्चा घाट था सारे। अच्छा, हाँ, ये जो टाइल्स वगैरह लगी हैं इसकी जगह मिट्टी हुआ करती थी? मिट्टी हुआ करती थी सभी। अच्छा। पहले मेरे को तो 25-26 साल हो गए यहाँ पर आते जाते। अच्छा, हाँ जी, एक दुकान होती थी चाय की, वहाँ पर चाय पीते थे हम। और था घाट पे ये मंदिर बना हुआ था। अच्छा, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से एक बार उधर का दृश्य है यहाँ से दिखा दें कि योगी आदित्यनाथ गढ़ गंगा को छोटा हरिद्वार बनाने का दावा करते हैं तो वो कितने खरे उतरते हैं। ये आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा कि हम गंगा में इस समय बीच में मौजूद हैं और एक नाव में सवार हैं और चारों इधर पूरा गंगा में लोग स्नान कर रहे हैं, उधर चिताएं जल रही हैं, अंतिम संस्कार हो रहा है। ये हमारे साथ मौजूद, आप क्या कहेंगे इस गढ़ गंगा के बारे में? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि यहाँ पे हरिद्वार के तर्ज पे जो लिया गया था तो यहाँ पे वो विकास देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अभी हरिद्वार बनने में हमें बहुत समय लगेगा और हमें बहुत मेहनत करनी है, और गढ़ गंगा हमेशा राजनीति का शिकार रहा है। और उसकी जो मुख्य वजह है, अगर आपको अलगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो हमारे स्थानीय लोगों का बहुत सहयोग है, हम आपस में लोग बहुत एक दूसरे को सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये सब देखने को मिल रहा है। वरना लोग आते गए और बड़े बड़े राजनेता भी यहाँ पे आए और बड़े बड़े दावे किए उन्होंने और बहुत कुछ देने की बात हुई, पर वो मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हाँ ऐसा लोगों को कुछ मिला है अभी। अरे, प्रधानमंत्री जब भी उत्तर प्रदेश में आते हैं वो कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, इसलिए मैं आया हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री की तो बात ही मत कीजिए, और आज वो उत्तर प्रदेश में ही है।
हाँ हाँ बिल्कुल। और अभी जो कल घटना भी घटी है अभी दो दिन पहले उत्तर प्रदेश में, उनका तो मैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं शब्द उनके बारे में कुछ बोलने ही जाऊँगा, क्योंकि उन जो वो जो बोलते हैं उनको उस बात का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। गंगा मैया पे, गंगा मैया बात करें तो आप कितना बदलाव महसूस करते हैं? 2017 से 2021 आ गया। देखिए हम तो जन्मे ही गंगा मैया की गोद में हैं, हमने तो जन्म ही इसी धरती पे लिया है। और हम तो जब से हम बचपन में जब स्कूल जाते थे, हमारा स्कूल भी यहीं हुआ करता था पास में, तो हम यहाँ घूमने के लिए आया करते थे। तो जब से विकास जो मैं बता रहा हूँ आपको, स्थानीय लोगों का विकास है, राजनीति बीच बीच में आते हैं राजनेता थोड़ा बहुत रहता है उनका, पर मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला कि हरिद्वार, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अभी हरिद्वार से बहुत कुछ पीछे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूँगा अभी वर्तमान सरकार से कि हम ध्यान दिया जाए और गढ़गंगा को राजनीति का शिकार ना बनाया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो गढ़गंगा पर सभी महंत रहते हैं, सब बाबा रहते हैं और यहाँ पर लोकल के निवासी हैं। आप क्या कहेंगे भैया गढ़गंगा के बारे में? नमस्कार सर, मैं कहना चाहूँगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ब्रजघाट पर आना शुरू हुए हैं, जब से काफ़ी सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। ये सभी घाट ये आप देख रहे हैं, ये सभी कच्चे हुआ करते थे, जब से आना शुरू उन्होंने इसको छोटे हरिद्वार की जो घोषणा की थी, काफ़ी स्तर पर खड़े उतरे हैं माननीय योगी जी। सभी तरह की व्यवस्था कराई है, हमारे लिए लाइट फुहारा बनवाया, पक्के घाट बनवाए, सड़कें मजबूत कराई, गरीबों का क्षेत्र खुलवाए, बहुत सारी व्यवस्थाएं कराई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अब भी जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में पुनः बीजेपी की सरकार आए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हम गढ़गंगा में मौजूद, जहाँ पर ये चारों तरफ हमारे चिताएँ चल रही हैं। इधर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएँ, और यहाँ पर लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। ये हम इस समय गंगा में मौजूद हैं और नाव में बैठ करके गंगा का सवारी कर रहे हैं। या कहीं का कहना है कि गंगा पहले काफ़ी गंदी रहती थी, लेकिन इस समय जब से योगी सरकार आई है वो छोटा हरिद्वार बनाने की कोशिश कर रही है, उत्तर प्रदेश का हरिद्वार। कैमरामैन जाहिद के साथ मैं नावेद माजिद, गढ़।